तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। अगर आप 15,000 के प्राइस रेंज में एक अच्छा कैमरा वाला स्मार्टफोन लेने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो स्पेशल हमने आपके लिए ही बनाया है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसे कैमरा वाला स्मार्टफोन बताएंगे जो 15,000 के प्राइस रेंज में काफी धांसू फीचर के साथ मिल जाएगा। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा 108 मेगापिक्सल का कैमरा, तो वो फोन भी आपको हम बताएंगे। काफी ज्यादा खोजबीन करने के बाद हमने ये 5 स्मार्टफोन को सिलेक्ट किया है। अगर आप इनमें से किसी भी फोन को कैमरा पर्पज के लिए लेना चाहते हैं तो आपको बाद में बिल्कुल भी पछतावा नहीं होगा। तो वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। हमारे लिस्ट का 5वां फोन आता है सैमसंग की तरफ से, सैमसंग गैलेक्सी M32। और आपको बता दें कि यह एक 4G फोन है। इस फोन में कैमरा अच्छा दिया गया ही है, इसके अलावा सभी फीचर काफी तगड़ा लेवल का दिया गया है। तो फिर इस फोन में क्या कुछ देखने को मिलेगा, चलिए डिटेल्स में एक्सप्लेन करते हैं। तो इस फोन में आपको 6.4 इंच का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है, और इसमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी दिया गया है। 800 निट्स का ब्राइटनेस दिया गया है, जिससे आपको सनलाइट या आउटडोर में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा। डिस्प्ले इस फोन का काफी अच्छा है, सुपर एमोलेड डिस्प्ले है तो पिक्चर क्वालिटी अच्छा दिखेगा ही। इसके अलावा थोड़ा बैटरी का भी बचत करेगा, और 90 हर्ट्ज का स्क्रीन रिफ्रेश रेट दिया गया है, और स्मूथनेस भी ठीक ठाक ही है। अब बात करते हैं इस फोन का परफॉर्मेंस तथा पावर हाउस का। तो इस फोन में आपको मीडियाटेक हेलियो G80 वाला चिपसेट देखने को मिल जाएगा डुअल कोर के साथ। और आपको एक बात बता देते हैं कि अगर आप इस फोन को कैमरा पर्पज के लिए लेना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ कैमरा पर्पज के लिए, तब आपके लिए काफी बेस्ट होगा, और गेमिंग वगैरह के लिए यह फोन बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। सबसे बड़ी बात है कि प्रोसेसर इस फोन का वैसा नहीं है जिससे आप गेमिंग वगैरह कर सके। सिर्फ डुअल कोर है, क्वाड कोर भी नहीं है, ऑक्टा कोर भी नहीं है, सिर्फ डुअल कोर। ये बात से ये समझा जाता है कि यह फोन कैमरा के लिए बेस्ट है, स्पेशल ये कैमरा के लिए यह फोन बना है, ठीक है। अब बात करते हैं इस फोन का बैटरी का। तो 6000 mAh का बड़ा बैटरा दिया गया है, जिसको चार्ज करने के लिए 15 वाट का चार्जर का सपोर्ट मिल जाएगा। बैटरी इस फोन का काफी तगड़ा दिया गया है, एक बार चार्ज करने के बाद आप इसे लंबा समय तक यूज भी कर पाएंगे। अब बात करते हैं हमारा मेन कैमरा का। तो इस फोन में आपको क्वाड रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा। प्राइमरी कैमरा 64 मेगापिक्सल का दिया गया है, और इनका 1.8 का अपर्चर है, और सेकंड कैमरा 8 मेगापिक्सल का है जो कि अल्ट्रा वाइड के लिए है। थर्ड कैमरा 2 मेगापिक्सल का दिया गया है जो कि माइक्रो फोटो के लिए है, और लास्ट कैमरा भी 2 मेगापिक्सल का दिया गया है जो कि डेप्थ सेंसर के लिए है। और सेल्फी कैमरा 20 मेगापिक्सल का दिया गया है, और 2.2 का अपर्चर है। आप आगे तथा पीछे का कैमरा से 1080p पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30fps पर। और इस कैमरा में आपको काफी सारा मोड मिल जाएगा। कैमरा काफी अच्छा दिया गया है, जिससे आप अच्छा खासा फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कर सकते हैं। ये स्पेशल कैमरा फोन ही है। अब बात करते हैं इस फोन का रैम स्टोरेज का। तो 4GB का रैम 64GB के स्टोरेज के साथ मिल जाएगा। आप चाहे तो एक्स्ट्रा मेमोरी को लगाकर स्टोरेज को बढ़ा सकते हैं, और इसमें आपको डेडिकेटेड स्लॉट देखने को मिल जाएगा, जिससे आप 2 सिम तथा 1 मेमोरी कार्ड को एक साथ लगा पाएंगे। इस फोन का वजन आपको लगभग नॉर्मल ही दिखेगा, क्योंकि इस फोन का वेट 196 ग्राम है, और इसमें साइड फिंगरप्रिंट का सेंसर देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं इस फोन का प्राइसिंग का। तो 4GB रैम तथा 64GB स्टोरेज वाले वेरिएंट के लिए आपको 14,000 रुपया देना होगा, और 6GB रैम तथा 128GB स्टोरेज वाले वेरिएंट के लिए आपको 16,000 रुपया देना होगा। अगर 6/128 वाले वेरिएंट को ऑफर लगाकर खरीदते हैं तो आराम से 15,000 के आसपास में मिल जाएगा। अगर आप ऑफर वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते हैं तो आप 4/64 वाले वेरिएंट को ले सकते हैं। अगर आपको ये फोन पसंद नहीं है तो इससे भी अच्छा अच्छा फोन अभी हमारे लिस्ट में बचा हुआ है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो फिर चलिए वीडियो में अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं हमारे लिस्ट का अगला फोन का। हमारे लिस्ट का 4वां फोन आता है रेडमी के तरफ से, रेडमी नोट 10S। काफी अच्छा फोन है, प्राइस के अकॉर्डिंग इस फोन में भी सभी फीचर काफी तगड़ा लेवल का दिया गया है। तो पहले इस फोन का अदर फीचर को देख लेते हैं, बाद में इस फोन का कैमरा को देखेंगे। इस फोन का वजन आपको लगभग नॉर्मल ही दिखेगा, क्योंकि इस फोन का वेट 178 ग्राम है, जो कि ठीक ठाक ही है। 8.3mm का थिकनेस है, थिकनेस भी ज्यादा नहीं है, ठीक ठाक ही है। 3.5mm वाला जैक मिल जाएगा, और इसमें डेडिकेटेड स्लॉट दिया गया है, जिससे आप 2 सिम तथा 1 मेमोरी कार्ड को एक साथ लगा पाएंगे, और इसमें साइड फिंगरप्रिंट का सेंसर मिल जाएगा। यूजर इंटरफेस की बात करें तो MIUI 12.5 के साथ आता है, जो कि Android 11 पर बेस्ड है। ये तो हो गया इस फोन का बेसिक फीचर। वीडियो में अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं इस फोन का मेन फीचर का। तो इस फोन में भी आपको 6.4 इंच का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है। तो दोस्तों इसमें भी सुपर एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है, जो कि काफी अच्छा बात है। और 1100 निट्स का पीक ब्राइटनेस दिया गया है, जिससे आपको सनलाइट या आउटडोर में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा। अब बात करते हैं इस फोन का परफॉर्मेंस तथा पावर हाउस का। तो
तो इस फोन में आपको MediaTek Helio G95 वाला चिपसेट देखने को मिल जाएगा ऑक्टाकोर के साथ। प्रोसेसर इस फोन का काफी अच्छा दिया गया है जिससे आप इस फोन में अच्छा खासा गेमिंग कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस फोन का बैटरी का, तो इस फोन में नॉर्मल 5000mAh का ही बैटरी दिया गया है, लेकिन स्पीड से चार्ज करने के लिए 33W का फास्ट चार्जर का सपोर्ट मिल जाएगा। ये चार्जर आपके फोन को काफी फास्ट चार्ज करके देगा, लगभग 1 घंटा में फुल चार्ज कर देगा और आप इसे लंबा समय तक यूज भी कर पाएंगे, इसलिए बैटरी भी इस फोन का काफी अच्छा है। अब बात करते हैं इस फोन का रैम स्टोरेज का, तो 6GB का रैम 64GB के स्टोरेज के साथ मिल जाएगा। आप चाहे तो 512GB तक का मेमोरी को लगाकर स्टोरेज को बढ़ा सकते हैं। अब बात करते हैं इस फोन का कैमरा का, तो इस फोन में भी आपको क्वाड रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा। प्राइमरी कैमरा 64MP का दिया गया है और 1.7 का अपर्चर है। सेकेंड कैमरा 8MP का दिया गया है जो की अल्ट्रा वाइड के लिए है, और थर्ड कैमरा 2MP का दिया गया है जो की माइक्रो फोटो के लिए है, और फोर्थ कैमरा भी 2MP का दिया गया है जो की डेप्थ सेंसर के लिए है, और सेल्फी कैमरा 13MP का दिया गया है। आप पीछे का कैमरा से 4K तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30fps पर, 1080p पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 60fps पर एंड 30fps पर, और फ्रंट कैमरा से 1080p पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे केवल 30fps। कैमरा इस फोन का काफी लाजवाब का दिया गया है जिससे आप इस फोन में अच्छा खासा फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कर सकते हैं। अब ऐसे में बताता है कि इस फोन का प्राइस कितना है। 6GB रैम तथा 64GB स्टोरेज वाले वेरिएंट के लिए आपको 14,499 रुपया देना होगा, यानी कि 14,500 रुपया इस फोन का प्राइस है, और 8GB रैम तथा 128GB स्टोरेज वाले वेरिएंट के लिए आपको 16,500 रुपया देना होगा। आप अपना बजट के हिसाब से वेरिएंट को ले सकते हैं। और आपको बताते चले कि इससे भी अच्छा अच्छा फोन अभी हमारी लिस्ट में बचा हुआ है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो फिर चलिए वीडियो में अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं हमारे लिस्ट का अगला फोन का। तो हमारे लिस्ट का थर्ड नंबर पे आता है रियलमी की तरफ से रियलमी 8 4G। काफी अच्छा फोन है, प्राइस के अकॉर्डिंग इस फोन में सभी फीचर काफी तगड़ा लेवल का दिया गया है, और कैमरा इस फोन का काफी शानदार दिया गया है जिससे आप अच्छा खासा फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कर सकते हैं। तो इस फोन में आपको क्या कुछ देखने को मिलेगा, चलिए डिटेल्स में एक्सप्लेन करते हैं। इस फोन का वजन आपको लगभग नॉर्मल ही दिखेगा क्योंकि इस फोन का वेट 177 ग्राम है जो कि ठीक ठाक ही है, और नेट 8mm का थिकनेस है, थिकनेस भी काफी अच्छा है। 3.5mm वाला जैक मिल जाएगा और इसमें डेडिकेटेड स्लॉट दिया गया है जिससे आप 2 SIM तथा 1 मेमोरी कार्ड को एक साथ लगा पाएंगे। सिक्योरिटी के लिए फेस अनलॉक तथा इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का सेंसर देखने को मिल जाएगा, और इस फोन में फिंगरप्रिंट का सेंसर डिस्प्ले में ही मिल रहा है जो कि काफी अच्छा बात है। ये तो हो गया इस फोन का छोटा मोटा फीचर, वीडियो में अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं इस फोन का मेन फीचर का। तो इस फोन में भी आपको 6.4 इंच का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है, और इसमें भी आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन मिल जाएगा, और 600 निट्स का पीक ब्राइटनेस दिया गया है जिससे आपको डे लाइट या आउटडोर में कोई दिक्कत नहीं होगा। नॉर्मल 60Hz का स्क्रीन रिफ्रेश रेट एंड 180Hz का टच सैंपलिंग रेट दिया गया है। स्मूथनेस भी इस फोन का ठीक ठाक ही है। अब बात करते हैं इस फोन का परफॉर्मेंस तथा पावर हाउस का, तो इस फोन में आपको MediaTek Helio G95 वाला चिपसेट देखने को मिल जाएगा ऑक्टाकोर के साथ, और ये चिपसेट भी 12nm पर बना हुआ है। प्रोसेसर इस फोन का काफी अच्छा दिया गया है जिससे आप अच्छा खासा गेमिंग कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस फोन का बैटरी का, तो इसमें 5000mAh का बैटरी दिया गया है जिसको स्पीड से चार्ज करने के लिए 30W का फास्ट चार्जर का सपोर्ट मिल जाएगा। बैटरी भी इस फोन का काफी अच्छा है, काफी फास्ट चार्ज करके देगा। अब बात करते हैं इस फोन का रैम स्टोरेज का, तो 4GB का रैम तथा 128GB के स्टोरेज के साथ मिल जाएगा। आप चाहे तो 256GB तक का मेमोरी को लगाकर स्टोरेज को बढ़ा सकते हैं। अब बात करते हैं हमारा मेन कैमरा का, तो इस फोन में भी आपको क्वाड रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा। प्राइमरी कैमरा 64MP का दिया गया है और इनका 1.7 का अपर्चर है, और सेकेंड कैमरा 8MP का दिया गया है जो कि अल्ट्रा वाइड के लिए है, और थर्ड कैमरा 2MP का दिया गया है जो कि माइक्रो फोटो के लिए है, और फोर्थ कैमरा 2MP का दिया गया है जो कि डेप्थ सेंसर के लिए है, और वहीं सेल्फी कैमरा 16MP का दिया गया है। आप पीछे का कैमरा से 4K तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30fps पर, 720p या फिर 1080p पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 60fps पर तथा 30fps पर, और फ्रंट कैमरा से 1080p पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे केवल 30fps पर। कैमरा इस फोन का काफी तगड़ा लेवल का दिया गया है जिससे आप अच्छा खासा फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कर सकते हैं, और इस फोन में प्राइस के अकॉर्डिंग सभी फीचर काफी तगड़ा लेवल का दिया गया ही है। अगर आप इस फोन को भी लेते हैं तो आपको बाद में बिल्कुल भी पछतावा नहीं होगा। अब ऐसे में बात आता है कि इस फोन का प्राइस कितना है। 4GB रैम तथा 128GB स्टोरेज वाले वेरिएंट के लिए आपको 15,999 रुपया देना होगा। अगर आप इस फोन को ऑफर लगाकर खरीदते हैं तो आराम से 15,000 के आसपास में मिल जाएगा, और प्राइस के अकॉर्डिंग इस फोन में सभी फीचर काफी तगड़ा लेवल का दिया गया ही है। आपको बता दें कि इससे भी अच्छा फोन अभी हमारी लिस्ट में बचा हुआ है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो फिर चलिए वीडियो में अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं हमारे लिस्ट का अगला फोन का।
तो हमारे लिस्ट का सेकंड नंबर पे आता है पोको की तरफ से पोको M4 Pro 4G। देखिए यह एक 4G फोन है, 5G फोन मत समझिएगा। इस फोन में आपको पावरफुल प्रोसेसर मिलेगा ही, इसके अलावा एक पावरफुल प्रोसेसर मिलेगा जिससे आप अच्छा खासा गेमिंग भी कर पाएंगे। तो फिर इस फोन में क्या कुछ देखने को मिलेगा, चलिए डिटेल्स में एक्सप्लेन करते हैं। इस फोन का भी वजन आपको लगभग नॉर्मल ही दिखेगा क्योंकि इस फोन का वेट 180 ग्राम है, जो कि ठीक ठाक ही है, ज्यादा भारी भी नहीं है। और 8mm का थिकनेस है, थिकनेस भी काफी अच्छा है। 3.5mm वाला जैक मिल जाएगा और इसमें डेडिकेटेड स्लॉट दिया गया है जिससे आप दो सिम तथा एक मेमोरी कार्ड को एक साथ लगा पाएंगे। इसमें आपको साइड फिंगरप्रिंट का सेंसर देखने को मिल जाएगा। यूजर इंटरफेस की बात करें तो MIUI 13 के साथ आता है जो कि एंड्रॉइड 11 पर बेस है। तो चलिए वीडियो में आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं इस फोन का मेन फीचर का। तो इस फोन में भी आपको 6.4 इंच का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है। इस फोन में भी आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है जो कि काफी अच्छा बात है। और इसमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन मिल जाएगा। नॉर्मल 90 हर्ट्ज का स्क्रीन रिफ्रेश रेट दिया गया है। स्मूथनेस भी इस फोन का काफी अच्छा है। अब बात करते हैं इस फोन का परफॉर्मेंस तथा पावर हाउस का। तो इस फोन में आपको MediaTek Helio G96 वाला चिपसेट देखने को मिल जाएगा ऑक्टा कोर के साथ, और ये चिपसेट 12 नैनोमीटर पर बना हुआ है। प्रोसेसर इस फोन का काफी अच्छा प्रोसेसर दिया गया है जिससे आप अच्छा खासा गेमिंग कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस फोन का बैटरी का। तो 5000mAh का बैटरी दिया गया है जिसको स्पीड से चार्ज करने के लिए 33W का फास्ट चार्जर का सपोर्ट मिल जाएगा। चार्जर आपके फोन को काफी फास्ट चार्ज करके देगा, लगभग एक घंटा में फुल चार्ज कर देगा और आप इसे लंबा समय तक यूज भी कर पाएंगे, इसलिए बैटरी भी इस फोन का काफी अच्छा है। अब बात करते हैं इस फोन का रैम स्टोरेज का। तो 6GB का रैम 64GB के स्टोरेज के साथ मिल जाएगा। आप चाहे तो एक्स्ट्रा मेमोरी को लगाकर स्टोरेज को बढ़ा सकते हैं। अब बात करते हैं हमारा मेन कैमरा का। तो इस फोन में आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा। प्राइमरी कैमरा 64MP का दिया गया है जिनका 1.8 का अपर्चर है, और सेकंड कैमरा 8MP का दिया गया है जो कि अल्ट्रा वाइड के लिए है, और थर्ड कैमरा 2MP का दिया गया है जो कि माइक्रो फोटो के लिए है, और सेल्फी कैमरा 16MP का दिया गया है। आप आगे तथा पीछे का कैमरा से 1080p पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30fps पर। और इन कैमरा में आपको काफी सारा मोड मिल जाएगा। कैमरा इस फोन का जो है ना काफी तगड़ा लेवल का दिया गया है जिससे आप अच्छा खासा फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कर सकते हैं। इसमें केवल कैमरा ही नहीं, सभी फीचर काफी तगड़ा लेवल का दिया गया है। अगर आप इस फोन में गेमिंग करना चाहते हैं तो वो भी काफी आसानी से कर सकते हैं, और फोटोग्राफी के लिए परफेक्ट तो है ही। अब ऐसे में बात आता है कि इस फोन का प्राइस कितना है। 6GB रैम तथा 64GB स्टोरेज वाले वेरिएंट के लिए आपको 14,500 रुपया देना होगा। अगर आपको 15,000 के अंदर में एक अच्छा कैमरा वाला फोन चाहिए तो ये फोन आपके लिए काफी बेस्ट होगा। तो फिर चलिए वीडियो में अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं हमारे लिस्ट का सबसे बेस्ट फोन का, जिसमें आपको 108MP का कैमरा मिलेगा। तो हमारे लिस्ट का सबसे बेस्ट फोन आता है Redmi की तरफ से Redmi Note 11s। काफी अच्छा फोन है। प्राइस के अकॉर्डिंग इस फोन में भी सभी फीचर काफी तगड़ा लेवल का दिया गया है। कैमरा तो इस फोन में अच्छा मिलेगा ही, इसके अलावा एक पावरफुल प्रोसेसर मिलेगा जिससे आप अच्छा खासा गेमिंग कर पाएंगे। तो फिर इस फोन में आपको क्या कुछ देखने को मिलेगा, चलिए डिटेल्स में एक्सप्लेन करते हैं। तो इस फोन में 6.4 इंच का फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है, और फरमाइएगा कि इसमें भी एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है। हम जितना भी फोन बताए सब में एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है जो कि काफी अच्छा बात है, और 1000 nits का पीक ब्राइटनेस मिल जाएगा जिससे आपको सनलाइट या आउटडोर में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा। और इसमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन दिया गया है। रिफ्रेश रेट की बात करें तो 90 हर्ट्ज का स्क्रीन रिफ्रेश रेट दिया गया है। स्मूथनेस भी इस फोन का काफी अच्छा है जिससे आप अच्छा खासा गेमिंग कर सकते हैं। यूजर इंटरफेस की बात करें तो MIUI 13 के साथ आता है जो कि एंड्रॉइड 11 पर बेस है। अब बात करते हैं इस फोन का परफॉर्मेंस तथा पावर हाउस का। तो इस फोन में आपको MediaTek Helio G96 वाला चिपसेट देखने को मिल जाएगा ऑक्टा कोर के साथ, और ये चिपसेट 12 नैनोमीटर पर बना हुआ है। काफी अच्छा पावरफुल प्रोसेसर है जिससे आप अच्छा खासा गेमिंग कर सकते हैं। और बात करते हैं इस फोन का बैटरी का। तो 5000mAh का बैटरी दिया गया है जिसको स्पीड से चार्ज करने के लिए 33W का फास्ट चार्जर का सपोर्ट मिल जाएगा। लगभग एक घंटा में फुल चार्ज कर देगा और आप इसे लंबा समय तक यूज भी कर पाएंगे, इसलिए बैटरी भी इस फोन का काफी अच्छा है। इस फोन का वजन आपको लगभग नॉर्मल ही दिखेगा क्योंकि इस फोन का वेट 180 ग्राम है। अब बात करते हैं इस फोन का रैम स्टोरेज का। तो 6GB का रैम तथा 64GB के स्टोरेज के साथ मिल जाएगा। आप चाहे तो एक्स्ट्रा मेमोरी को लगाकर स्टोरेज को बढ़ा सकते हैं, और हाँ, इसमें आपको डेडिकेटेड स्लॉट देखने को मिल जाएगा जिससे आप दो सिम तथा एक मेमोरी कार्ड को एक साथ लगा पाएंगे। अब बात करते हैं हमारा मेन कैमरा का। तो इस फोन में भी आपको क्वाड रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा। प्राइमरी कैमरा 108MP का दिया गया है, और सेकंड कैमरा 8MP का दिया गया है जो कि अल्ट्रा वाइड के लिए है, और थर्ड कैमरा 2MP का दिया गया है जो कि माइक्रो फोटो के लिए है, और लास्ट कैमरा भी 2MP का दिया गया है जो कि डेप्थ सेंसर के लिए है, और सेल्फी कैमरा 16MP का दिया गया है। कैमरा इस फोन का काफी लाजवाब का दिया गया है जिससे आप अच्छा खासा फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस फोन का प्राइसिंग का। तो 6GB रैम तथा 64GB स्टोरेज वाले वेरिएंट के लिए आपको 16,500 रुपया देना होगा। अगर आप इस फोन को भी ऑफर लगाकर खरीदते हैं तो 15,000 के आसपास में तो मिल ही जाएगा।
और प्राइस के अकॉर्डिंग इस फोन में सभी फीचर काफी तगड़ा लेवल का दिया गया है। इस फोन में फोटोग्राफी अच्छा खासा कर ही पाएंगे, उसके अलावा गेमिंग भी इस फोन में काफी अच्छा कर पाएंगे। अब आपके पास 5 ऑप्शन है, आपको डिसाइड करना होगा कि कौन सा फोन आपके लिए बेटर होगा। उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल हुआ होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।